तो दोस्तों फाइनली सैमसंग के गैलेक्सी A52s 5G स्मार्टफोन जो है वो इंडिया मार्केट में आपको बहुत जल्द देखने को मिलने वाला है। और यहाँ पर जो स्मार्टफोन की इंडिया लॉन्च डेट है वो निकल करके आ चुकी है। और यहाँ पर इस वीडियो में मैं इस स्मार्टफोन के आपको 100% कन्फर्म प्राइस भी बताने वाला हूँ। अब देखिए दोस्तों मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर मेरे पास प्रूफ है और यहाँ पर आप कह सकते हैं कि 100% कन्फर्म इमेज में आपको दिखाऊंगा, जहाँ पर आपको स्मार्टफोन की प्राइस लिखी हुई दिख जाएगी। दोस्तों अगर आप सैमसंग के गैलेक्सी A52s 5G स्मार्टफोन के बारे में कुछ भी जानना चाहते हैं तो आप हमारे इस वीडियो को बिना स्किप के अंत तक देखते रहिएगा। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सूरज, आप देख रहे हैं एस टेक्निकल इंडिया यूट्यूब चैनल। तो बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं। अब देखिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करने पहले यहाँ पर आप सभी से एक निवेदन है कि आप में से दोस्तों जो 95% लोग हैं जो हमारी वीडियो को देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, तो दोस्तों क्या कर रहे हो यार, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पर प्रेस कर दो, क्योंकि ऐसी स्मार्टफोन से रिलेटेड वीडियो मैं आपके लिए रोजाना लेते रहता हूँ। और अगर वीडियो को लाइक नहीं है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो स्मार्टफोन की स्पेक्स हैं वो यहाँ पर आपको काफ़ी अच्छी देखने को मिलती है, लेकिन जो स्मार्टफोन की प्राइस है वो काफ़ी ज़्यादा ओवर होने वाली है। यहाँ पर मुझे लगता है कि स्मार्टफोन 10,000 रुपये ओवर प्राइस है। अब आप यहाँ पर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 10,000 रुपये कितनी ज़्यादा रकम होती है। यहाँ पर आपको एक अच्छा खासा बजट वाला स्मार्टफोन देखने को मिल जाता है 10,000 रुपये में। तो यहाँ पर स्मार्टफोन जो प्राइस मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, आपको कैसी लगेगी आगे बताइएगा जरूर वीडियो में। यहाँ पर पहले मैं आपको स्मार्टफोन की स्पेक्स बता दूँ तो यहाँ पर आपको 6.5 इंचेस का फुल HD+ सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलेगा, जिस पर आपको कोर्निंग कोकुलर ग्लास 5K प्रोटेक्शन देखने को मिल जाएगी। साथ ही यहाँ पर दोस्तों आपको 120Hz का रिफ्रेश रेट देखने को मिलने वाला है। अब देखिए बात करें पीछे की तरफ डिजाइन की, तो पीछे की तरफ यहाँ पर आपको इतना कोई खास डिजाइन देखने को नहीं मिलता। यहाँ पर आपको पीछे प्लास्टिक बैक डिजाइन देखने को मिलेगा, और डिजाइन जो आपको दिया गया है वो पुराना वाला ही डिजाइन दिया गया है। सैमसंग के ऑलरेडी काफ़ी सारे स्मार्टफोन में आपको ये डिजाइन देखने को मिल जाता है। साथ ही पीछे की तरफ आपको क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिल जाएगा। कैमरा मुझे यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पसंद आया है स्मार्टफोन का, क्योंकि यहाँ पर आपको 64MP प्राइमरी कैमरा देखने को मिलेगा, साथ ही 12MP अल्ट्रा वाइड कैमरा देखने को मिलेगा, 5MP मैक्रो देखने को मिलेगा और 5MP डेप्थ लेंस देखने को मिल जाएगा। अब देखिए यहाँ पर वैसे तो ये नॉर्मल कैमरा सेटअप है, लेकिन मुझे इसलिए पसंद आया है क्योंकि यहाँ पर जो आपको 2-2 MP का कैमरे देखने को मिलते थे ना, बाकी सभी कंपनी के स्मार्टफोन वो नहीं दिए गए, तो जिसकी वजह से यहाँ पर आपको काफ़ी अच्छे मैक्रो शॉट भी देखने को मिल जाएंगे और काफ़ी अच्छे पोर्ट्रेट शॉट भी देखने को मिल जाएंगे। पर ना इसके अलावा यहाँ पर आपको नॉर्मल साइज रियर कैमरा देखने को मिल जाता है। बात करें सेल्फी कैमरा की, तो यहाँ पर सेल्फी कैमरा भी आपको काफ़ी अच्छा देखने को मिलता है। यहाँ पर आपको एक 32MP का पंच होल सेल्फी कैमरा देखने को मिलेगा, जो कि काफ़ी अच्छे आपको परफॉर्मेंस प्रोवाइड करा देगा। यहाँ पर कैमरा सेटअप यहाँ पर आपको दोनों ही जगह पर काफ़ी अच्छा देखने को मिल जाता है। बात करें प्रोसेसर की, तो यहाँ पर आपको क्वालकॉम का एकदम न्यू प्रोसेसर देखने को मिलेगा, जो कि 700 सीरीज़ का। यहाँ पर आपको क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन 778 प्रोसेसर देखने को मिलेगा, जो कि ऑलरेडी आप यहाँ पर काफ़ी सारे स्मार्टफोन में देख चुके हैं इंडिया मार्केट में, जो कि 30,000 रुपये से कम के बजट में देखने को मिल जाता है। और यहाँ पर आपको 25,000 रुपये में भी देखने को मिल जाता है। अब देखिए बात करें स्मार्टफोन के रैम वेरिएंट की, तो ये स्मार्टफोन आपको 2 RAM वेरिएंट में देखने को मिलेगा, जहाँ पर स्मार्टफोन जो बेस वेरिएंट है वो 6GB RAM + 128GB स्टोरेज के साथ में आएगा, और जो दूसरा वेरिएंट वो यहाँ पर आपको 8GB RAM + 128GB स्टोरेज के साथ में देखने को मिल जाएगा। अब देखिए दोस्तों बात करें यहाँ पर अगर हम स्मार्टफोन की बैटरी की, तो यहाँ पर आपको 4500mAh की बैटरी देखने को मिल जाएगी, USB Type-C पोर्ट देखने को मिलेगा, और आउट ऑफ द बॉक्स 25W का फास्ट चार्जर भी देखने को मिल जाता है। अब देखिए अगर आप स्मार्टफोन की प्राइस की बात करें, तो यहाँ पर स्मार्टफोन में 2 वेरिएंट देखने को मिलेंगे, जैसे कि मैं ऑलरेडी आपसे बता चुका हूँ। अब प्राइस की यहाँ पर बात करें, तो यहाँ पर आपको 6GB RAM + 128GB स्टोरेज वेरियंट जो रिटेल प्राइस है वो 36,000 रुपये होने वाली है, और स्मार्टफोन जो 8GB RAM + 128GB स्टोरेज वेरियंट होगा वो यहाँ पर आपको 37,500 रुपये में देखने को मिल जाएगा। अब देखिए 37,500 रुपये या फिर 36,000 रुपये की प्राइस के हिसाब से ये स्मार्टफोन मुझे कम से कम 10,000 रुपये ओवर लगता है। यहाँ पर आप सभी जानते हैं कि जो इस स्पेक की स्मार्टफोन ऑफर आपको करता है ना, वो आपको आराम से 25,000 रुपये के स्मार्टफोन में देखने को मिल जाती है। हो सकता है कि इससे बेहतर स्मार्टफोन भी आपको 25,000 रुपये के स्मार्टफोन में देखने को मिल जाए। आपकी क्या राय है वैसे स्मार्टफोन की प्राइस को लेकर, कमेंट करके जो बताएगा। अब देखिए स्मार्टफोन जो लोग बाय करेंगे वो लोग होंगे जो स्मार्टफोन के बारे में नॉलेज नहीं रखते, अगर रखते हैं तो यहाँ पर थोड़े से वो होंगे जो सैमसंग लवर हैं वो स्मार्टफोन का बाय करेंगे, या फिर कोई भी स्मार्टफोन को बाय नहीं करेगा जो थोड़े बहुत भी स्मार्टफोन की नॉलेज रखता है। तो आपकी क्या राय है वैसे स्मार्टफोन की प्राइस को लेकर, कमेंट करके जो बताएगा। अगर दोस्तों बात करें स्मार्टफोन की इंडिया लॉन्च की, तो दोस्तों लीक के मुताबिक ये स्मार्टफोन 3 सितंबर को लॉन्च हो सकता है इंडिया मार्केट में। अभी ऐसे कोई कन्फर्म लॉन्च डेट निकल करके नहीं आई है, लेकिन जैसे कि कन्फर्म लॉन्च डेट निकल कर आएगी मैं अपने कम्युनिटी टैब पर आपको पोस्ट करके बता दूंगा। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप ऐसी टेक्नोलॉजी वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पर प्रेस कर दीजिए। तो सुबह फिलहाल के इस वीडियो में इतना ही, मिलता है आपसे अगली वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।